मूवी का स्टार्ट हाई स्कूल के एक फुटबॉल मैच से होता है, जहां केरन रिचर्ड नामी लड़का अपने बारे में बता रहा था कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, वो स्टडीज में भी बहुत अच्छा था और गेम्स में भी। जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो एक ब्राइट नामी प्लेयर ने उसे पुश किया और वो गिर गया। कोच उसे वार्न करता है मगर वो फिर भी केरन को मारता है। केरन को बहुत गुस्सा आता है और वो लॉन्ग जंप करता है और उसे बहुत मारता है, उसका हेलमेट भी टूट जाता है। फिर केरन को सोए हुए दिखाया जाता है। उसे एक ड्रीम आता है जिसमें उसकी मदर उसके रूम में आकर छुपती है और कहती है कि यहाँ कोई एनिमल है। तभी केरन बहुत हॉरिबल क्रिएचर में चेंज हो जाता है और अपनी मदर को मार देता है। वो चीखने लगता है और डर से उठ जाता है। उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे संभालते हैं। फिर केरन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ उसके टीचर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दे रहा था और बहुत बुरा बिहेव कर रहा था। उसके सर उसे समझाते हैं। सीन्स चेंज होते हैं और अब केरन अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ एक कार में था और वो बहुत अपसेट था। लीजा उसे कहती है कि वो भी फ्यूचर के बारे में टेंशन में है, मगर केरन को अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर फुल मून को दिखाया जाता है। लीजा और केरन पास आते हैं और तभी केरन चेंज होने लगता है। वो एक वुल्फ बन जाता है और लीजा पे अटैक करता है। लीजा वहाँ से भाग जाती है। केरन उसके पीछे भागता है मगर फिर वो घर चला जाता है। कुछ देर बाद केरन सोया हुआ दिखाया जाता है। जब वो उठता है तो वो अपने हाथों पे खून देखता है। वो घबरा जाता है और घर में अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है। उसे जगह जगह ब्लड और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। लीजा भी केरन के घर पुलिस ले आती है। केरन फिर वुल्फ में चेंज होता है और वहाँ से भाग जाता है। केरन की काउंसलर बताती है कि उसे मोस्टली अपने पेरेंट्स को मार देने के ड्रीम्स आते हैं। पुलिस उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज को घर से निकालते हैं। केरन वहाँ से भाग जाता है। वो काफी रिसर्च करता है मगर इसका क्योर सिर्फ सुसाइड था, जो वो नहीं कर सकता था। वो हर फुल मून पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था मगर उसे डर रहता था कि वो कहीं किसी को मार न दे। फिर वो गैस स्टेशन जाता है जहाँ वो कैफे में न्यूज सुन रहा था। वहाँ उसे पता चलता है कि वो एडॉप्टेड था। वो काफी अपसेट होता है। जब वो गैस स्टेशन से जा रहा था तो उसे एक लड़की की चीखने की आवाजें आती हैं। वो आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जहां टू गैंगस्टर्स उसे बहुत तंग कर रहे थे। वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। केरन उन्हें मना करता है मगर वो नहीं होते। केरन वुल्फ बनकर उन्हें मारता है। उसका सिर्फ उन्हें वार्न करने का इरादा था मगर उनमें से एक गैंगस्टर उसके ईयर पे शूट करता है। केरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। वो लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। केरन वहाँ से एक बाइक चुराता है और आगे बढ़ता है। फिर वो एक बार में जाता है। वहाँ उसे वाल जो मिलता है, जो उसे किलर बुलाता है। वो केरन के बारे में समझ जाता है और फिर पता चलता है कि वो खुद भी एक वुल्फ है। केरन और वाल जो कुछ बातें करते हैं। केरन वाल जो से पूछता है कि उसे किसी वुल्फ ने बाइट नहीं किया तो फिर वो वुल्फ क्यों बना। वाल जो उसे बताता है कि तुम बाय बर्थ ऐसे हो। ये बात केरन को इसलिए नहीं पता थी क्योंकि वो अपने रियल पेरेंट्स को नहीं जानता था। केरन वाल जो से बाकी वुल्फ का पूछता है मगर वो नहीं बताता। केरन की बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो जाने से पहले वर्ल्ड मैप में एक डॉट मारता है जो ल्यूपिन ब्रिज पे जा लगता है। केरन समझ जाता है कि बाकी वुल्फ वहाँ हैं। वो उस तरफ निकल जाता है। वाइल्ड जो उसे चुपके से देख रहा था, वो एक बार में जाता है जहाँ सारे उसे देखकर हैरान होते हैं। बारटेंडर उसे यहाँ आने की वजह पूछती है मगर वो कोई आंसर नहीं करता। वो यहाँ कोई काम पूछता है। वहाँ कॉनर स्लॉटर भी था जो कुछ गर्ल्स के साथ बैठा हुआ था। वो केरन को देखता है तो अपने साथ बैठी एक गर्ल को उसके पास भेजता है। वो उसे डांस करने को कहती है मगर केरन मना कर देता है। फिर बार की ओनर एंजेल आती है। वो भी केरन से उसका नाम पूछती है और वो डैनी डेनियल बताता है। वो भी उसका नाम पूछता है मगर वो कॉनर की तरफ देखती है और चली जाती है। फिर केरन के पास एक डिकी नाम का लड़का उस पहली वाली लड़की का बॉयफ्रेंड बनकर आता है। वो केरन से लड़ने की ट्राई करता है मगर केरन चुप करके वहाँ से चला जाता है। वो वुड्स में सबके जाने का वेट करता है। वहाँ डिकी आता है और केरन उससे बात करता है मगर वो वुल्फ बन जाता है। केरन उससे नहीं डरता और ये देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ केरन को जॉन नाम का एक मैन मिलता है जिसने बार में सुन लिया था कि केरन को काम चाहिए। वो उसे घर ले जाता है और अपनी वाइफ क्लारा से मिलवाता है। फिर केरन उसके फार्म्स में काम करने लगता है, जहाँ एक दिन कॉनर आ जाता है। जॉन भी वहाँ आ जाता है। कॉनर केरन से पूछता है कि उसने डिकी को क्यों मारा, मगर केरन कहता है
कि पहले 5 लोगों ने उस पे अटैक किया और बाद में वो सिर्फ उससे पूछने गया था। जॉन कॉनर का अंकल था और वो उसे जाने को कहता है और कॉनर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे केडिन जॉन के फार्म जाता है और उसे वहाँ एक शीप मरा हुआ मिलता है। जॉन उसे बताता है कि यहाँ ऐसा होता रहता है और वुल्फ्स ये सब करते हैं। फिर वो सब खाना खाते हैं। रात को जॉन, क्लारा और केडिन टीवी देख रहे थे और अचानक केडिन के बारे में न्यूज आती है। केडिन फौरन टीवी बंद कर देता है और कहता है कि वो टाउन का विजिट करने जा रहा है। जॉन उसे टीवी ऑन करने को कहता है। केडिन टीवी ऑन करता है और फौरन चैनल चेंज करके बाहर निकल जाता है। वो फिर से बाहर जाता है जहाँ उसे पार्किंग एरिया में एक लड़का कार्टर विल्स मिलता है जो उसे केडिन स्लॉटर बुलाता है। वो उसे कहता है कि वो उसका सेकंड कजन है और वो कॉनर से दूर रहे और यहाँ से चला जाए क्योंकि कॉनर बहुत खतरनाक है। फिर वो कॉनर को देखता है और वहाँ से चला जाता है। केडिन बाहर जाता है और वो फिर वहाँ एंजल से मिलता है। एंजल उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। केडिन भी उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। सीन्स चेंज होते हैं और अब कॉनर को दिखाया जाता है जो जंगल में था। उसके दोस्त कार्टर विल को पकड़कर कॉनर के पास ले आते हैं। कॉनर उससे पूछता है कि वो लड़का कौन है और तुम उससे क्या बात कर रहे थे। कार्टर कहता है कि वो उसके बारे में नहीं जानता, वो बस उसे यहाँ जाने का कह रहा था, मगर कॉनर नहीं मानता और उसे भागने का कहता है। वो सब भी वुल्फ्स थे और अपने दोस्तों को उसे पकड़कर हंट करने का कहते हैं। केडिन वहाँ से गुजर रहा था और तभी उसे वुल्फ्स की आवाजें आती हैं। वो जंगल में जाता है तो वहाँ उसे एंजल मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। केडिन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एंजल बताती है कि वो डाउन विंड है और वो स्मेल कर सकती है कि कोई मरा है। वो दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें कॉनर और उसके लोग पार्टी करते नजर आते हैं जो कार्टर विल को खा रहे थे। कॉनर को कोई सेंट आती है और वो केडिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो केडिन को कहती है कि वो सब भी तुम्हारे जैसे ही वुल्व्स हैं। ये सुनकर केडिन बहुत हैरान हो जाता है। एंजल उसे जॉन के घर ले जाती है जहाँ वो केडिन की न्यूज ही सुन रहे थे। क्लारा उसे गले लगाकर सॉरी कहती है। केडिन उससे सॉरी की वजह पूछता है तो जॉन कहता है कि ये सारी उसकी गलती है। वो उसे कुछ पिक्स दिखाता है जो उसकी मदर ल्यूसिंडा की थी। जॉन ल्यूसिंडा की मदर का भाई था। वो उसे बताता है कि वो कॉनर और ल्यूसिंडा का बेटा है। केडिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ल्यूसिंडा ने ये बात कॉनर को नहीं पता चलने दी और जॉन के कहने पे उसने केडिन को एडॉप्शन के लिए भेज दिया और खुद सुसाइड कर ली। ल्यूसिंडा के जाने के बाद कॉनर बहुत बुरा बन जाता है और वो पूरे टाउन के लोगों को वुल्फ्स में चेंज कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि कॉनर अपनी जनरेशन बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो एंजल को यूज करना चाहता है और एंजल ना करेगी तो वो पूरे टाउन को मार देगा। अब सिर्फ कॉनर, जॉन, क्लारा, एंजल और उसकी सिस्टर गेल ही प्योर ब्रेड थे। अब केडिन भी आ चुका था। केडिन एंजल को ऐसा करने से मना करता है मगर वो कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को मारा है मगर उसे याद नहीं। एंजल उसे कहती है कि उसके फादर ने भी उसकी मदर को मार दिया था और होश आने पे उसने सुसाइड कर ली। फिर वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जॉन के घर टाउन के कुछ लोग आते हैं। वो उन्हें केडिन से इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ लार्सन विल्स जो कार्टर विल्स का भाई था वो भी मौजूद था और वो केडिन को कार्टर की मौत का रिस्पॉन्सिबल समझता था। मेयर रॉबिन्सन भी वहाँ था जो सबको कहता है कि एंजल कॉनर को दे देना चाहिए ताकि वो किसी को भी ना मारे। वो सब बहुत बहस करते हैं क्योंकि जॉन केडिन को बचाना चाहता था और लार्सन विल और मेयर रॉबिन्सन ऐसा नहीं चाहते थे। और अगले दिन फुल मून था जब कॉनर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। केडिन कॉनर से मिलने जाने का डिसाइड करता है। जॉन और एंजल उसे रोकते हैं मगर वो नहीं मानता। कॉनर अपने दोस्तों के साथ जंगल में बैठा था और केडिन को रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। तभी वहाँ केडिन पहुँच जाता है जिसे देखकर कॉनर काफी हैरान होता है। वो उसे बताता है कि वो ल्यूसिंडा का बेटा है और वो एंजल को छोड़ दे, पर कॉनर नहीं मानता। वो अपने दोस्तों को उसे पकड़ने का कहता है। वो सब उसके पीछे भागते हैं और केडिन उन्हें जख्मी कर देता है। फिर कॉनर आता है और उसे मारता है। ये लड़ाई काफी देर चलती है और केडिन कॉनर के मुंह पे अपने क्लॉज मारता है। वो भागता है और आगे खाई थी। केडिन वहाँ से जंप कर देता है। कुछ देर बाद वो उठता है और एंजल उसे जॉन के घर ले जाती है। उसकी कंडीशन काफी खराब थी। वो सबके कहने पे खुद को वुल्फ चेंज करता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंजल उसे वहाँ से जाने का कहती है मगर वो नहीं मानता। अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो जॉन के पास जाता है जहाँ
जहाँ वो अपने फार्म्स के लिए कोई फर्टिलाइजर्स बना रहा था। वो एक्सप्लोसिव था। जॉन, क्लारा, एंजल और केडिन उसे बुलेट्स में फिल करते हैं। केडिन उन्हें जमीन में दफना देता है। वो एंजल से सामान पैक करने को कहता है ताकि वो कॉनर को हराने के बाद यहाँ से भाग सके। एंजल घर चली जाती है। तभी केडिन को कुछ आवाज आती है और वो घर की तरफ भागता है। वहाँ जॉन, क्लारा और एंजल को किडनैप कर लिया था। केडिन को बहुत गुस्सा आता है। रात होती है और दिखाया जाता है कि कॉनर ने जॉन और क्लारा को एक केज में बंद किया हुआ है और एंजल को ड्रग्स देकर लाया गया है। केडिन वहाँ आता है और छुपकर पहले दो वुल्फ्स को मार देता है, फिर आगे बढ़ता है और एंजल को फ्री करता है। एंजल भी वुल्फ में चेंज होती है और कॉनर के दोस्तों के साथ मुकाबला करती है। केडिन कॉनर और उसके लोगों को फार्म में ले जाता है। जॉन भी केज से भागकर घर चला जाता है। केडिन सबको एक सर्कल में इकट्ठा करता है और जॉन वहाँ पड़े एक्सप्लोजिव पे शूट करता है, जिससे बहुत सारे वुल्फ्स मर जाते हैं। फिर वो बार्न में जाते हैं और बाकी वुल्फ्स वहाँ एक्सप्लोजिव की वजह से मर जाते हैं। कॉनर बच जाता है और उसकी केडिन से बहुत जबरदस्त फाइट होती है। आखिर केडिन कॉनर को हरा देता है। वो उसे बताता है कि उसने ल्यूसेंडा को किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से लव करते थे। तभी वहाँ वाइल्ड जो आ जाता है और यहाँ पता चलता है कि वाइल्ड जो ही इस सब के पीछे था। उसे कॉनर ने मारा था और उसने केडिन को रिवेंज के लिए यूज किया है। केडिन के पेरेंट्स को भी वाइल्ड जो ने ही मारा था। ये सुनकर केडिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारता है, मगर वाइल्ड जो उसे नीचे फेंकता है। कॉनर उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वाइल्ड जो उसके गले को काट देता है और वो भी मर जाता है। केडिन वाइल्ड जो को बहाने से फार्म के पास ले जाता है। वाइल्ड जो स्मोकिंग कर रहा था और केडिन बहुत चलाकी से उस सिगरेट को एक्सप्लोसिव पे रख देता है, जिससे ब्लास्ट होता है और वाइल्ड जो मर जाता है। फिर केडिन और एंजल साथ रहने लगते हैं। वो दोनों सिटी घूमने चले जाते हैं। जॉन केडिन को एक पेज देता है जिस पे वुल्फ्स की जनरेशन के बारे में लिखा था। वो ये लेकर एंजल के साथ सिटी चला जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है।